Hello everyone, hope you are doing very well. So I am CA Krupenathi, going to revise the chapter 1 of CA Inter Auditing and Assurance, Nature, Objectives and Scope of the Audit. So सबसे पहले रिवीजन चालू करने से पहले कुछ बातें या डिस्क्लेमर जो इस रिवीजन सीरीज के लिए आपको यूजफुल होगी. ये जो रिवीजन सीरीज है हम ऐसे के मॉड्यूल में से ही पढ़ने वाले हैं सब कुछ. जहां पर जरूरत होगी यहां पर हम मॉड्यूल के जो भी टेक्स्ट है उसे भी पढ़ेंगे, पॉइंट्स भी रिवाइज करेंगे, चैप्टर्स अलग अलग जो भी होंगे सभी के जो मेन कॉन्सेप्ट है सारे ही कवर अप करेंगे. जहां पर जरूरत पड़ेगी इलस्ट्रेशन या एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे. राइट, ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम सब कुछ कवर अप हो जाए. मॉड्यूल की लैंग्वेज बहुत नेसेसरी है क्योंकि उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बहुत ही कॉर्नरिंग करके भी कई बार क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज या फिर करेक्ट इन करेक्ट में कहीं पर भी पूछ सकते हैं. तो हम मॉड्यूल पर ही फोकस करेंगे. राइट, सो आई एडवाइज कि आप भी मॉड्यूल में से ही पढ़े. ये जो रिविजन वीडियोज है उसमें हम पढ़ेंगे सब कुछ मॉड्यूल में से. आप वीडियोस देखते टाइम अगर आपको जरूरत लगे तो आप साथ में मॉड्यूल रखिए. यहाँ पर तो आपको दिखाया ही जाएगा, आप पीपीटी देख सकते हैं. राइट, मतलब ये मॉड्यूल देख सकते हैं, बट साथ में अपनी फिजिकल कॉपी ऑफ द मॉड्यूल भी आप साथ में रखें. उसमें से भी साथ साथ में पढ़ते जाए. आप पोज वीडियो को पोज करके वो पूरा ही क्वेश्चन याद रखते जाए. और हाँ, क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन याद रखने के लिए इट इज द बेस्ट थिंग कि आप उनको तुरंत पढ़ के तुरंत ही आप लिख दो अपनी लैंग्वेज में. हाँ, जो कीवर्ड्स है वो जो बुक में दिए हुए हैं वही कीवर्ड्स आने चाहिए. तो वो आप कीवर्ड्स तुरंत ही लिखते जाए तो आपको तुरंत ही याद रह जाएगा. राइट, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको कुछ पढ़ने में कुछ मूड नहीं आ रहा है, मतलब आप पढ़ने के लिए यू आर टायर्ड राइट फ्रॉम ओल्ड डे स्टडीज, तो आप ये रिविजन वीडियोज देख सकते हैं. आप कुछ मत करिए, सिर्फ ये वीडियोज में से सुनिए तो भी आपको बहुत कुछ हेल्पफुल रहेगा. बट हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो साथ साथ में पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि आपको लिखना है. राइट, तो उसके लिए लैंग्वेज और उनके वर्ड्स आने जरूरी है. तो ये वीडियोस के साथ आप अपनी मॉड्यूल भी साथ में ओपन रखें और याद करते जाइए. पर हाँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं या फिर इवन रात को सोने से पहले भी आप ये वीडियोस चलाकर सो सकते हैं तो थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा. जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो सब कुछ हम इसमें कवर अप करने वाले हैं. सो आपको समझ में भी आता जाएगा, समझाता भी जाऊंगा और याद भी हो सके उतना रखवाऊंगा. राइट, बट आपको भी कुछ अपने आप पढ़ना है और ये आप एग्जाम के पहले दिन अगले दिन जो टाइम होता है उसमें भी आप ये देख सकते हैं वीडियोज. और खास करके जो मतलब प्रीवियस पेपर होता है उस दिन, मतलब लाइक एडवांस अकाउंट का पेपर होगा उसमें इवनिंग में आपको ज्यादातर पढ़ने के कुछ खास मन नहीं होता है, तब आप ये वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको एटलीस्ट कुछ प्रोडक्टिव हो सके, कुछ बेनिफिशियल हो सके. कुछ भी ना करने से बेटर है कुछ करे, तो ये वीडियोस आप तब देख सकते हैं. राइट, बाकी आपको मॉड्यूल और आपकी जो बुक है उसमें से भी पढ़ना कंपल्सरी रहेगा. राइट, और ये रिविजन वीडियोज के पहले मैं जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ अबाउट द ऑडिट पेपर की जो पेपर पैटर्न है. राइट, ताकि आपको पता चल सके किस तरह से क्वेश्चन है. सो एमसीक्यूज रहते हैं 30 मार्क्स के, जो पार्ट ए होता है. राइट, ये तो आपको ओएमआर में ही अटेम्प्ट करने रहेंगे. उस 30 मार्क्स के एमसीक्यू से उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अभी नवंबर 23, हाँ ये जो भी ऑडिट की पूरी रिविजन सीरीज है ये नवंबर 23 के लिए रिलेवेंट है. राइट, सो अभी जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है उसमें केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें केस सिनारियो एक स्टोरी दे रखी होती है और उस हिसाब से आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने रहेंगे. ये जनरली 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बट ये जो 30 मार्क्स का पेपर है वो बाहर नहीं आता है, इसलिए वी कांट अश्योर कि किस तरह से पूछते हैं. बट जो प्रीवियस स्टूडेंट से पता चला है उस हिसाब से पता चला है कि जनरली केस सिनारियो के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के एक एमसीक्यू रहता है. और दूसरे होते हैं वो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज होते हैं, जो नॉर्मल आपने थियरी वगैरह पढ़ी है उस हिसाब से आ जाएंगे, वो 1 or 2 मार्क्स के हो सकते हैं. राइट, ये तो दो तरीके से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं. केस सिनारियो में भी हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही रिलेवेंट हो विथ केस सिनारियो. आपको अगर ऑडिट का बारे में पता है तो आप सीधा ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. राइट, सो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. राइट, और ये इसके लिए आईसीएआर ने जो एमसीक्यू बुकलेट दे रखी है, राइट, वो आप रिफर कर सकते हैं. बाकी ये आप अगर पूरा ही अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जा रहे हैं तो एमसीक्यूज
आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इट इज एडवाइजेबल कि थोड़ा सा आप क्वेश्चंस देखकर जाओ ताकि पता चले किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको जब भी कुछ पढ़ने की इच्छा ना हो तब आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं इन ऑल फोर सब्जेक्ट्स के जिसमें एमसीक्यू पूछ सकते हैं, राइट। ऑडिट में तो कर ही सकते हैं, बाकी लॉ है, टैक्सेशन है और ईआईएसएसएम, वो तीनों में भी आपको अगर कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही तब आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये पार्ट है। और पार्ट बी जो पार्ट ए था जिसमें एमसीक्यू से, पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव होता है जो 70 मार्क्स का है, राइट। वो 70 मार्क्स के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट पूछते हैं, ये कंपलसरी है जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट होता है 2 मार्क्स ईच। ये जो 2 मार्क्स ईच है उसमें आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो मेंशन करना है और रीजन भी मेंशन करना जरूरी है। कई बार रीजन गलत होता है तो भी आपका करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर जो सही है उसका मार्क्स नहीं देते हैं, कई बार मिल जाता है करेक्ट या इनकरेक्ट लिखा है फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप करेक्ट इनकरेक्ट में करेक्ट या इनकरेक्ट वो तो लिख कर ही आए, आपको एग्जिट आंसर पता हो या ना हो, राइट, वो रिस्क लेना बनता है। और एमसीक्यूज में भी कोई भी एमसीक्यू आप छोड़कर मत आना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, राइट। तो एमसीक्यू और जो ये करेक्ट इनकरेक्ट है, राइट, वो तो आपको अटेम्प्ट करके ही आने हैं, राइट। एमसीक्यूज 30 मार्क्स के हो जाएंगे और जो करेक्ट इनकरेक्ट है वो 14 मार्क्स के, 7 स्टेटमेंट्स होते हैं, 8 होते हैं उसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करने होते हैं, सो 14 मार्क्स के होते हैं, तो वो तो 44 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करके ही जाना है। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर 44 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव है, राइट, एमसीक्यूज एंड करेक्ट इनकरेक्ट, और 56 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है, राइट। ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। और क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 जो 5 क्वेश्चंस है उसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, और ये जो भी क्वेश्चन है वो 14 मार्क्स ईच रहते हैं, और ये 14 मार्क्स के अंदर 4 क्वेश्चंस रहते हैं, 4 सब क्वेश्चंस रहते हैं ए बी सी डी, जिसमें 4 मार्क्स का 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो 14 मार्क्स टोटल, राइट। तो इस तरह से ये पेपर पैटर्न रहती है, एमसीक्यूज 30 मार्क्स के जिसमें कैस सिनारियो और इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, देन डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट बी है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर रहता है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट का पूछते हैं विथ रीजन 14 मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स ईच, 8 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करने रहेंगे, और क्वेश्चन 2 to 6 5 क्वेश्चन उसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं 14 मार्क्स ईच, जिसमें 4 सब क्वेश्चंस होंगे सारे ही क्वेश्चंस के अंदर, तो 4 सब क्वेश्चन में पहले 2 4-4 मार्क्स के और बाकी के 2 3-3 मार्क्स के सब क्वेश्चंस रहेंगे, 14 मार्क्स इस तरह से रहेंगे, राइट। तो ये पेपर पैटर्न है। जनरली कौन सा चैप्टर में से कहां पर क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जनरल उनका वेटेज कितना है वो भी मैं आपको बताता चाहूंगा। ये समझने से आपको बेनिफिट रहेगा कि आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आपको थोड़ा सा पेपर किस तरह से होगा मतलब कौन सा चैप्टर कहां पर पूछेंगे वो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा, तो यू नो आप पेपर देखेंगे तो पूरा सरप्राइजिंग या शॉक नहीं लगेगा, आपको पता होगा किस तरह से है, तो आप स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो कौन सा क्वेश्चन आप कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रेंथ है तो वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट, वो आपको बेनिफिट रहेगा। और ये 15 मिनट जो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलती है उसमें आपको वही करना चाहिए कि आप सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उनकी जो प्रायोरिटी है उनकी सिक्वेंस जो भी है वो आप देख सकते हैं। और ये नेसेसरी बात ये भी है कि ऑडिट का जो पेपर होता है उसमें जनरली लिखना बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि या 4 या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना उसमें 4 या 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, क्योंकि वो 1 पॉइंट का 1 मार्क्स जनरली दे देते हैं, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका जो आंसर है वो 1-1.5 पेज का होगा, बाकी जनरली 4-5 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा, और वो मार्क्स देते भी है, वो मार्क्स आपका अगर आंसर थोड़ा सा भी सही है ना कीवर्ड्स आ जाते हैं तो आपको मार्क्स देते हैं, बट जनरली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि क्या क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट। वो क्वेश्चंस भी बहुत ही सीधा ही मतलब मॉड्यूल में से सीधा ही क्वेश्चन छाप देते हैं, उसमें जो लाइन लिखी है वही पूछ देते हैं, पर लोगों को पता नहीं चलता इसका आंसर क्या आना चाहिए, दैट्स व्हाई मार्क्स नहीं आते हैं ऑडिट में। तो आप वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली अच्छे से पढ़ेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे, वो इजीली आप कवर अप कर सकते हैं, राइट। कुछ चीजें लर्न बाय हार्ट करनी पड़ेगी तो वो आपको करना है, पर आप अगर 2 पॉइंट आंसर होगा तो वो मार्क्स देते हैं, फालतू के आंसर लिखने में कोई भी मार्क्स नहीं देंगे आपको, कुछ भी लाइक कोई भी
इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। हाँ, जो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको प्रोविजन है, फैक्ट ऑफ द केस है, उनका रिलेशन और कंक्लूजन लिखना रहेगा। बाकी सारे जो टू द पॉइंट टू द क्वेश्चन मतलब सीधा ही क्वेश्चन पूछा है उसमें आपको टू द पॉइंट ही आंसर लिखना है, राइट। ये सारी बातें नेसेसरी थी इसलिए मैंने समझाया है, राइट। हम इसमें कोई भी टाइम पास नहीं करने वाले हैं, पूरा ही फटाफट रिविजन करने वाले हैं। आप ये अच्छे से सुन सकते हैं, मॉड्यूल साथ में रखिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, और साथ में हो सके तब तक पढ़ते भी रहिएगा और याद भी रखते रहिएगा, तो आपको बेनिफिशियल होगा, आपको फटाफट आपका ऑडिट खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन, नेचर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, राइट। इसका जनरल वेटेज हम कह सकते हैं 4 to 6 marks, इसमें से 4 to 6 marks का क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो भी वेटेज होगा वो मैं 70 मार्क्स में से बताऊंगा पार्ट बी का, क्योंकि पार्ट ए जो एमसीक्यूज है वो पेपर आईसीए है वो पब्लिश नहीं करती है, तो पता नहीं है एग्जैक्टली कि उसमें कौन सा चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, उसकी पैटर्न समझना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो 70 मार्क्स है उसमें से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसके मैं वेटेज आपको बताता जाऊंगा। 4 to 6 marks का इसमें से क्वेश्चन आता है, जनरली करेक्ट इनकरेक्ट में हो सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट जो 2 marks के हैं उसमें होगा, और क्वेश्चन 2 जो है उसमें एक क्वेश्चन 4 marks का जनरली आ सकता है। जनरली क्वेश्चन 2 के अंदर ही चैप्टर 1 का क्वेश्चन पूछता है, बट वो चेंज हो सकता है। मैंने जितने पेपर्स जनरली देखे उसमें उनकी पैटर्न रही है कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन क्वेश्चन 2 के अंदर पूछते हैं, राइट। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट और क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव 4 marks का क्वेश्चन आ सकता है, ये 4 to 6 marks की रेंज रहती है, कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है, आईसीएनओ को स्पेसिफिक पेपर पैटर्न नहीं दी है, बट पास्ट पेपर्स को इवेल्यूएट करें तो ये पता चल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिविजन ऑफ द चैप्टर 1। सबसे पहले दे रखी है डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ द ऑडिट। सो एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्योंकि कोई भी पर्सन जो डिपेंडेंट है, कोई रिलेटिव है, वो ऑडिट नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो किसी को ट्रस्ट नहीं आएगा, इसलिए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर कवर अप होता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कवर अप हो जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, और अगर इंडेक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बन रही है तो उसमें चेंजेस इन इक्विटी भी होगा, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कवर अप होता है। बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कवर अप हो जाता है, और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, लाइक डेटर्स का भी अगर ऑडिट कर रहे हैं तो वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, और जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिख रही है वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट हो सकता है। सो ऑडिट की जो टर्मिनोलॉजी है, मीनिंग डेफिनेशन में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टर्म है वो वाइडर है देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट हमारा जो पूरा ही ऑडिट का सिलेबस है, राइट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर ऑडिट करना है तो किस तरह से करेंगे। हाँ, कुछ कुछ जगह पर उसके अलावा या उस पार्ट ऑफ दैट भी हुए, लाइक इंटरनल ऑडिट वगैरह हो गया, तो उसमें दूसरी भी चीजें हैं, पर यहाँ पर ऑडिट की जनरल डेफिनेशन है, दैट्स व्हाई वो वाइडर टर्म दी गई है, राइट। सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, एनी एंटिटी कोई भी एंटिटी हो सकती है, राइट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, उसमें चाहे प्रॉफिट कमाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव हो या एनपीओ एनजीओ वगैरह हो तो उसका भी ऑडिट हो सकता है, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। साइज मतलब वो लार्ज बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, या छोटा सा सोल प्रोपराइटर का छोटी सी दुकान है, बिजनेस है, वो उसका भी ऑडिट हो सकता है। सो एनी साइज एंड एनी लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म मतलब वो सोल प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है, ट्रस्ट है, कंपनी है, कुछ भी हो, सभी का ऑडिट हो सकता है। और ये सब कुछ करते कब है? When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, और उस financial information के ऊपर हमें जब opinion देना हो तो उससे हम audit कहेंगे। So audit की definition क्या हो गई? Audit की definition क्या हो गई? Independent examination of financial information, right? Of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size and legal form. और ये सब कुछ क्यों करते हैं? To expressing an opinion thereon. राइट, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में या एमसीक्यूज में
पूछ सकते हैं, राइट। अब यहां पर ओपिनियन कौन सा होंगे ना वो समझना हमें सर, राइट। तो ओपिनियन समझने के लिए थोड़ा सा आपको आना पड़ेगा चैप्टर 11 में, राइट। सी मैं आपको बिना चैप्टर का रेफरेंस दिए भी समझा सकता हूं, बट आपको चैप्टर बुक में से भी पढ़ना रहेगा, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा चैप्टर में कई बार ऐसा होगा कि आपको दूसरे चैप्टर में भी आना पड़ेगा, आपके पास फिजिकल कॉपीज है तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप इस तरह से समझेंगे तो आपको पूरा ऑडिट समझ में भी आता जाएगा और याद रखने में भी इजी रहेगा। आपको ऑडिट समझना है, आप सीए बनने वाला है, राइट। सो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी पर इस तरह से पढ़ना बेटर होगा, क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी, राइट। तो चलिए चैप्टर 11 में 11.7 पे है फॉर्म ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन के टाइप्स कितने हैं, राइट। आपको पता ही होगा मेजर दो टाइप के ओपिनियन होंगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन कब दिया जाता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बराबर है, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं। और मॉडिफाइड ओपिनियन तब दिया जाता है जब उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। Unmodified opinion. The auditor shall express an unmodified opinion when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. अब ये applicable financial reporting framework मतलब कि जिस तरह से financial statements बनने चाहिए उस हिसाब से बने हैं। यहाँ पर example के दौर पे हम कह सकते हैं Schedule 3 of Companies Act, right? Companies Act 2013 जो है उसका जो Schedule 3 है, आपने Schedule 3 के हिसाब से balance sheet PNL वगैरह बनाए होंगे, accounts में आपने ये पढ़ा होगा। ये Schedule 3 है is an example of applicable financial reporting framework। अगर companies का financial statement बनना चाहिए तो वो किस तरह से बनना चाहिए, Schedule 3 के हिसाब से। तो वो Schedule 3 है, वो applicable financial reporting framework का example है। AS या Ind AS के हिसाब से बनाना, वो applicable financial reporting फ्रेमवर्क है। किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। यहाँ पर मटेरियल रिस्पेक्ट है क्योंकि हम ऑडिट है वो मटीरियलिटी के बेसिस पर कर सकते हैं, हम 100% चेक नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है, उसकी इनहेरेंट लिमिटेशंस है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। इसलिए हम सिर्फ मटीरियल इंपॉर्टेंट आइटम्स है उसी पर फोकस कर सकते हैं। तो इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट वो अगर बराबर बना है तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। अगर 100 रुपये या 10 रुपये की अगर कोई आइटम में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उससे हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये मटीरियल नहीं है, राइट। ये था अनमॉडिफाइड ओपिनियन। दूसरा है मॉडिफाइड ओपिनियन। If the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statement as a whole are not free from material misstatement. अगर हमने जो financial statements के लिए जो भी evidences, procedures वगैरह की है, right? Evidences obtained की, evidences मतलब जो भी proofs हमें मिले हैं, वो audit evidence हमने obtained किए हैं, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि financial statement are not free from material misstatement. उसमें कोई भी misstatement है, right? तो हम क्या कहेंगे कि modified opinion देंगे। या फिर is auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement. Auditor को conclude करना है कि ये financial statement are free from material misstatement or not. उसके लिए उनको sufficient appropriate audit evidences ही नहीं मिले हैं। Sufficient मतलब कि quantity में कितने, जो enough audit evidences जो हमें चाहिए वो audit evidences ही नहीं मिले हैं। या फिर जो appropriateness है मतलब कि quality, जो relevant और reliable audit evidences होने चाहिए वही हमें नहीं मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि तो मतलब हम कोई conclusion पर आ ही नहीं सकते। conclusion पर नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, modified opinion हम issue करेंगे। यहाँ पर sufficient जो है वो है quantity के relevant और appropriate जो है वो quality of the audit evidence। ये in detail हम chapter 3 SF500 के अंदर cover up करेंगे, right? तो दो चीजें हैं कि ऑडिटर को लगता है कि जो ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आर नॉट ऑब्टेन्ड टू कंक्लूड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तब हम मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू करेंगे। यहां पर पहले मिसस्टेटमेंट क्या है वो हम एक बार समझ लेते हैं। मिसस्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वो चैप्टर 4 के अंदर दी है, राइट। ये जो है मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन है पेज नंबर 4.3 के अंदर,
Misstatement refers to a difference between the amount, classification, presentation, or disclosure of a reported financial statement item and the amount, classification, presentation, or disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable financial reporting framework. मतलब कि मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उस हिसाब से क्या होना चाहिए था और एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाया है उन दोनों में जो डिफरेंस है वही है मिसस्टेटमेंट राइट. यहाँ पर डिफरेंस किस किस चीजों में हो सकता है, यहाँ पर हमें चार चीजें दी गई है, एक तो अमाउंट, एक क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. अमाउंट गलत है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या होना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है उन दोनों में डिफरेंस है, अमाउंट गलत है तो मिसस्टेटमेंट है. उसका क्लासिफिकेशन रेवेन्यू या कैपिटल में हो सकता है, लेजर वाइज या फिर करंट नॉन करंट वगैरह में कुछ भी क्लासिफिकेशन गलत है तो मिसस्टेटमेंट है. उसका प्रेजेंटेशन गलत तरीके से दिया है, डिस्क्लोजर कुछ अलग से दिया है, नहीं दिया है तो वो मिसस्टेटमेंट राइट. और ये मिसस्टेटमेंट कैन बी अराइज फ्रॉम एरर और फ्रॉड. एरर मतलब कि अनइंटेंशनल है, गलती से मिस्टेक हो गई राइट. या फ्रॉड है वो इंटेंशनली होता है, जानबूझकर पता है फिर भी कुछ गलत कर रहे तो फ्रॉड है राइट. ये एरर और फ्रॉड से मिसस्टेटमेंट अराइज हो सकते हैं. तो जो हमें यहां पर दिया है कि कंक्लूड्स दैट मॉडिफाइड ओपिनियन का जो पहली कंडीशन कब हो सकता है, तो evidences obtained that the financial statements as a whole are not free from material misstatement. मतलब उसमें कोई भी misstatement है. Misstatement का मतलब अभी हमने समझा कि difference between the amount, classification, presentation and disclosure as per the applicable financial reporting framework and as disclosed in the financial statement. मतलब financial statement में जो report हुआ है, disclose हुआ है और जो होना चाहिए उन दोनों में अगर difference है तो misstatement है ऐसा हम कह सकते हैं. और ये misstatement arise from error or fraud, right? तो ये दो चीजें हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन कब देंगे, नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं. इस मॉडिफाइड ओपिनियन के सब टाइप्स भी है जो भी हमें समझने जरूरी है, ये भी चैप्टर 11 के अंदर ही दिए हुए हैं. ये 11.30 के ऊपर है, पेज नंबर 11.30 SS705 जो है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. SS705 जो है उसमें दिए हैं मॉडिफिकेशन टू द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो उस हिसाब से कौन सा कब हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे वो हमें समझना जरूरी है. ये SS705 हम अलग से चैप्टर 11 में भी कवर अप करेंगे, पर यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ ओपिनियन है वो हमें अभी समझने जरूरी है क्योंकि उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं सभी जगह पर आएगा तो वो हमें हेल्पफुल होगा राइट. सो टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन यहाँ पर दिए हुए हैं वो हम समझते हैं. उसके पहले एक डेफिनेशन यहाँ पर है पेज नंबर 11.32 ऊपर, डेफिनेशन ऑफ परवेसिव राइट. ये डेफिनेशन ऑफ परवेसिव समझना नेसेसरी है. अ टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स और द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट इफ एनी दैट आर अनडिटेक्टेड ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. जो भी यहाँ पर परवेसिव जो टर्म है वो किसके लिए रिफर की गई है, तो क्या मिसस्टेटमेंट के लिए. मिसस्टेटमेंट अगर हमें फाइनल ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं और हमें पता चला है कि यहाँ पर मिसस्टेटमेंट है तो उसके लिए भी परवेसिव टर्म यूज की गई है, या फिर अगर हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं तो उसकी जो पॉसिबल इफेक्ट्स है कि शायद मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं उसके लिए भी ये परवेसिव टर्म यूज की गई है. अब ये परवेसिव है क्या, परवेसिव इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज दैट इन द ऑडिटर्स ओपिनियन या फिर जजमेंट आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब ये जो परवेसिव टर्म है, मतलब ये जो मिसस्टेटमेंट है या पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट है वो नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कन्फाइंड मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड, वो किसी एक एलिमेंट, अकाउंट या फिर अमाउंट या फिर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उनकी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है राइट. या फिर इफ सो कन्फाइंड, ये अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर ये रिस्ट्रिक्टेड है टू सम पार्ट और सम स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसकी जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो सब्सटेंशियल है, काफी बहुत ही ज्यादा उसका प्रोपोर्शन है, दैट्स वाई वो परवेसिव है राइट. और इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर द फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और अगर वो डिस्क्लोजर के बारे में है तो वो डिस्क्लोजर जो भी है वो फंडामेंटल टू यूजर्स फाइनेंशियल स्टेट यूजर्स अंडरस्टैंडिंग है
राइट, तो उसे हम परवेसिव कह सकते हैं। तो परवेसिव टर्म है वो मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग यूज की गई है, कि उसमें ऐसा है कि वो जो मिसस्टेटमेंट है या पॉसिबल इफेक्ट्स है वो आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर वो कन्फाइंड है तो वो उसका जो पोर्शन है, प्रोपोर्शन है, वो सब्सटेंशियल है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर वो अगर डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग है तो वो जो डिस्क्लोजर है वो फंडामेंटल है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, तब हम कह सकते हैं कि ये जो मिसस्टेटमेंट है या पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट है वो परवेसिव है। सो परवेसिव का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारी चीजों को वो अफेक्ट करेगी, वो मटीरियल होगी, मटीरियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो इनकी इंपैक्ट है वो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी, मोर देन वन आइटम रहेगी, राइट, तो तब हम कह सकते हैं कि वो परवेसिव है, राइट, ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछ सकते हैं, राइट, और ये आपको आगे जो टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन है उसको समझने के लिए भी नेसेसरी है, राइट, होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। अब हम समझते हैं जो सब टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन है, उनके तीन सब टाइप्स है, राइट, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन तब हम देंगे जब मिसस्टेटमेंट जो भी मिला है वो मटीरियल है, उनकी इम्पैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, बट वो परवेसिव नहीं है, उनकी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं है, तब हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, या फिर हमें सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं, और नहीं मिले हैं उनके वजह से जो पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट है वो मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, तब हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। जब हमारे पास जो मिसस्टेटमेंट हमें मिला है वो मटीरियल भी है और परवेसिव भी है, तब हम एडवर्स ओपिनियन देंगे, और जब हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं और उसकी जो पॉसिबल इंपैक्ट है वो मटीरियल भी है और परवेसिव है, तब हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, राइट, चलिए ये समझते हैं, ये तीनों जो है वो आगे समझाया है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन Auditor having obtained sufficient appropriate audit evidence concludes that misstatements individually or in aggregate are material but not pervasive to the financial statement. Material hai misstatement but wo pervasive nahi hai, tab hum qualified opinion denge. Or auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion but the auditor concludes that the possible effects on the financial statements of undetected misstatements if any could be material but not pervasive. So sufficient appropriate audit evidences nahi mile hain, unki jo impact hai wo material hai par pervasive नहीं है, तब हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी होगी तब हमें क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना रहेगा, राइट, होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। यहां पर इलस्ट्रेशन है वो आप बाद में पढ़ लेना। यहां पर दूसरा है एडवर्स ओपिनियन, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन व्हेन ऑडिटर हैविंग ऑब्टेंड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड्स दैट मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर बोथ मटीरियल एंड परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मटीरियल भी है और परवेसिव भी है, तब हम एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, राइट, जब भी मिसस्टेटमेंट मिला है, एविडेंसेस हमें मिल गए हैं और मिसस्टेटमेंट जो मिला है उसकी इंपैक्ट मटीरियल एंड परवेसिव है, तो एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ उसका भी इलस्ट्रेशन दिया है, वो भी आप पढ़ लेना। एंड देन द लास्ट सब टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन व्हिच टू बेस द ओपिनियन एंड द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी कुड बी बोथ मटीरियल एंड परवेसिव। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं और उनकी जो इंपैक्ट है वो मटीरियल एंड परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम देंगे। The auditor shall disclaim an opinion when in extremely rare circumstances involving multiple uncertainties. The auditor concludes that notwithstanding having obtained sufficient appropriate audit evidence regarding each of the individual uncertainties, it is not possible to form an opinion on the financial statement due to potential interaction of the uncertainties and their possible cumulative effect on the financial statements. कुछ अनसर्टेनिटीज हमें पता नहीं है क्या हो सकता है, दैट्स व्हाई हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हम कोई भी ओपिनियन उसके ऊपर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हमें एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं तो हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है ओपिनियन, राइट, तो तब हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन करेंगे। उसका भी इलस्ट्रेशन है, वो भी आप पढ़ लेना। सो विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, तो नेचर ऑफ द मैटर
nature of the matter giving rise to modification, that is, whether the financial statement are materially misstated, or in the case of inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, may be materially misstated, and auditor's judgment about the pervasiveness of the effects or possible effects of the matters on the financial statement. मतलब materiality और pervasiveness वो दोनों ही हमें check करना है, उस हिसाब से हम out express करेंगे अपना opinion. यहाँ पर इसकी summary है, अगर financial statements are materially misstated, वो materially misstated है but not pervasive, तो qualified opinion देंगे, और अगर material and pervasive है तो adverse opinion. और अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसकी जो इम्पैक्ट है वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, और मटेरियल एंड परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे. होप यू आर क्लियर विद द टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट समझने के लिए भी, एज वेल एज क्वेश्चन आपको पूछ भी सकते हैं. राइट, सो ये चैप्टर 11 का जो अभी हमने टाइप्स ऑफ ओपिनियन वाला पोर्सन पढ़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, आपको ये साथ में ही पढ़ लेना, आपको इजी रहेगा समझने के लिए, इंपॉर्टेंट है, और आपको जो बाकी सारे चीजें है उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा. राइट, सो ये ऑडिट की डेफिनेशन जो थी, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज एंड लीगल फॉर्म विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. और उसके हमने ओपिनियन अब तक देखा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन के थ्री सब टाइप्स, क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ये मटीरियलिटी और परवेसिवनेस के हिसाब से हम चेक करेंगे. राइट, ये था बेसिक पार्ट. राइट, चलिए अब हम चैप्टर वन में आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर जो एनालिसिस दिया हुआ है वो डेफिनेशन का है, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है. राइट, आपको समझ में आ रहा होगा. राइट, कोई डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं सारी कमेंट का आपको आंसर करूंगा. जो भी डाउट हो बिंदास आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर. और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि ये टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए डिटेल्ड वीडियो आपको बनाकर भेजूंगा. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पर जो एक क्वेश्चन है, This he can do honestly by satisfying himself that. जब भी ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसको किस बारे में सेटिस्फेक्शन लेना है वो यहाँ पर दिया है. बहुत ही सिंपल है. राइट, एक तो अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जो भी एंट्रीज है उसी के हिसाब से अकाउंट्स बने होने चाहिए. एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. जो भी एंट्रीज है उसके लिए सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए. सफिशियंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी. राइट, ये हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे. None of the entries in the books of account has been omitted in the process of compilation and nothing which is not in the books of account has found place in the statement. मतलब जो भी financial statement बनाएंगे, right? उसमें हम books of accounts में से financial statements prepare करेंगे. तो books of account में जो है वो financial statement में वो कुछ भी omit नहीं होना चाहिए, और जो books of account में नहीं है वो financial statement में दिखना नहीं चाहिए. Right? The information conveyed by the statement is clear and unambiguous. वो पूरा ही समझ में आना चाहिए, clear होना चाहिए, unambiguous होना चाहिए. Financial statement amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with the accounting standards. क्योंकि accounts है वो accounting standard, applicable financial reporting framework के हिसाब से बनेंगे, तो वो बराबर होने चाहिए, उस हिसाब से classified, described और disclosed होने चाहिए. Statement of accounts present a true and fair picture of operational results and of the assets and liabilities. राइट, जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज वगैरह है उनका और रिजल्ट्स जो भी है, असेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में दिखेंगे और रिजल्ट्स जो है वो पीएनएल में मिलेंगे. तो वो जो रिजल्ट्स और असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसका ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाना चाहिए. अगर ये सब कुछ है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, सब कुछ बराबर है. अगर इस वजह से किसी में प्रॉब्लम है तो मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू कर सकते हैं. चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा. फिर एग्जांपल है, आप एक बार रीड कर सकते हैं अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, बाकी जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है, स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग आर एप्लीकेबल. और आपके सिलेबस में बहुत सारा स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग एसएस है. राइट, ये सबसे पहला ऐसा है, एसएस 200. एसएस वगैरह क्या है वो भी हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं, इसमें आगे दिया हुआ है तो हम तब इन डिटेल समझेंगे. अभी यहाँ पर है एसएस 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर. राइट, यहाँ पर नाम अधूरा है, इसका आगे भी नाम है. Overall objectives of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. ये पूरा नाम इस तरह से है,
overall objectives of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. आगे के चैप्टर में मतलब इसी चैप्टर में आगे आने वाला है राइट right? पर आपको SS के नाम हो सके तब तक याद रखने हैं, गलत नहीं लिखने हैं पर हो सके तब तक लिखने हैं, मार्क्स मिलने के चांसेस है, कटेंगे नहीं एटलीस्ट अगर आप लिखेंगे तो, वो एडवाइजेबल है राइट right? सो ये ऐसे 200 है, पहला ऐसे है राइट right? ऐसे 200 से ही स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट बेसिक ऐसे है, इसमें पता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको जो भी ऑडिट करेंगे वो SS के हिसाब से करना है, वो ऐसे 200 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ऐसे 200 के हिसाब से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का वो समझाया हुआ है, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं और समझने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब कि मोटा मोटी सब कुछ सही है, हम ऑडिटर है तो ऑडिट सब कुछ पूरा ही नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट अश्योरेंस हम नहीं दे सकते कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो परफेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते, हम रीजनेबल अश्योरेंस ले सकते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, हमें ये एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर राइट, फ्रॉड और एरर, हमने मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन में देखा था कि मिसस्टेटमेंट फ्रॉड और एरर से हो सकते हैं, सो वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क राइट right? हमने अनमोडिफाइड ओपिनियन में भी देखा था कि अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का वही है कि हम रीजनेबल अश्योरेंस लेंगे क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड देयर बाय एनेबलिंग टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एंड यहां पर एंड है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द SS इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग्स, और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट देना है एज पर द रिक्वायर्ड जो SS है, जो चैप्टर 11 का हमने अभी रेफरेंस दिया था उस चैप्टर 11 के अंदर ही ऑडिट रिपोर्ट है, SS 700 है, उस हिसाब से हमें रिपोर्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग्स राइट, उस हिसाब से हमें जो भी फाइंडिंग्स हमारे थे उस हिसाब से हमें रिपोर्ट करना है और कम्युनिकेट करना रहेगा। सो ये है हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एज पर SS 200 टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and thereby enabling the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework, and to report and communicate in accordance with the standards on auditing, in accordance with jo bhi auditors ka findings hai, us hisab se karna rahega. Yahan par example diya hua hai, wo aap read kar sakte hain. Sorry. यहाँ पर जो एग्जांपल है वो आप रीड कर सकते हैं, बाकी ये तो ठीक है कोई जरूरत नहीं है। फिर दिया हुआ है स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है समझने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब ऑडिट के स्कोप में क्या क्या कवरअप हो सकता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन की सारी ही एस्पेक्ट्स को कवरअप करना है बट रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उसके रिलेवेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को समझना है, उन सभी को कंसिडर करना रहेगा। Then to form an opinion the financial statement, the auditor should reasonably satisfied as to whether the information contained in the underlying accounting records and other source data is reliable and sufficient. Reliable generally appropriateness के अंदर relevance और reliability दोनों पे focus किया जाता है, तो यहाँ पर appropriate और sufficient होने चाहिए in the preparation of financial statement. हमें जो information मिल रही है books of account और financial statement के related वो हमें देखनी है कि बराबर है कि नहीं, और सेकंड पॉइंट के साथ आपको फोर्थ पॉइंट भी साथ में रीड करना चाहिए क्योंकि वो उसी के रिगार्डिंग है। असेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, किस तरह से वो चेक करेंगे कि वो रिलायबल है कि नहीं, रिलेवेंट है कि नहीं और सफिशिएंट है कि नहीं, बाय मेकिंग अ स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग की जो सिस्टम है क्योंकि अब जनरली जो सब कुछ होता है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है, तो वो बराबर है कि नहीं, और इंटरनल कंट्रोल को समझना है। अब इंटरनल कंट्रोल क्या है वो चैप्टर 4 के अंदर हम इन डिटेल समझने वाले हैं, बट सिंपली अगर समझे कि कंट्रोल रखे हैं इंटरनली
मैनेजमेंट ने कि कोई प्रॉब्लम ना हो, जो सब कुछ प्रोसीजर्स हो रही है, पॉलिसीज फॉलो हो रही है, वो सब कुछ बराबर हो, इसलिए इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने फोन में पासवर्ड रखा है तो वो इंटरनल कंट्रोल है ताकि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके आपके फोन को, राइट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे पासवर्ड्स होंगे, ईमेल के पासवर्ड्स होंगे, सिस्टम के ऑथोराइजेशन के पासवर्ड हो सकते हैं, राइट, या फिर अटेंडेंस सिस्टम है, अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके, वो भी इंटरनल कंट्रोल है। इन डिटेल चैप्टर 4 में समझेंगे। एंड कैरिंग आउट सच अदर टेस्ट्स, इंक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस एज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। और हम अलग अलग टाइप की ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, वो भी चैप्टर 3 के अंदर इन डिटेल कवर अप होता है, इंक्वायरी वगैरह अदर टेस्ट करेंगे और उस हिसाब से पता चलेगा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो बराबर है कि Then third point, decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement subject to statutory requirements wherever applicable. Right? Disclosure बराबर हुआ है कि नहीं वो देखना है, और इस point 3 को point 5 के साथ आपको read करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर disclosure किस तरह से देखेंगे वो दिया हुआ है। Comparing the financial statement with underlying accounting records and other source data to see whether they properly summarize the ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड therein, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह है उसमें जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो दिखाया हुआ वो कंपेयर करेंगे वो बराबर है कि नहीं। एंड कंसिडरिंग द जजमेंट्स दैट मैनेजमेंट हैज मेड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली ऑडिटर असेस द सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज the manner which the information has been classified and the adequacy of disclosure. जो भी financial statement में judgments होंगे, right? Depreciation किस हिसाब से करना है, method या useful life, या फिर provision for doubtful debts क्या होगा, वो सब कुछ judgments है, तो वो judgments बराबर है कि नहीं, वो भी हमें देखने रहेंगे. Then auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence. अगर कोई भी काम के लिए अगर auditor capable नहीं है, उनकी competence नहीं है, तो वो उसे अपने स्कोप में कवर अप नहीं कर सकेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होगी जिसमें उसके लिए हमें अलग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर एक्चुरी का लिए प्रोविजन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए एक्चुरी के प्रोविजन की जरूरत पड़ती है, एक्चुरी के रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है फॉर ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट वगैरह, तो उसमें ऑडिटर खुद कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी कॉम्पिटेंस में नहीं आता, उसके स्कोप में वो कवरअप नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल स्किल रिक्वायर्ड फॉर एन ऑडिटर डज नॉट इंक्लूड ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर डिटरमाइनिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन असेट्स। सर्टेन असेट्स की ये बराबर काम कर सकेगी कि नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करना, उसकी कंडीशन चेक करना ऑडिटर का काम नहीं है, तो वो उसके स्कोप में कवरअप नहीं होगा। And constraints on the scope of the audit of financial statements that impair the auditor's ability to express an unqualified, unqualified मतलब unmodified opinion ही होगा, on such financial statements should be set out in his report and a qualified opinion or disclaimer of opinion should be expressed as appropriate. कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप मतलब कि उनको कुछ काम करने से रोक रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी है, क्योंकि ऑडिटर को अगर सब कुछ काम नहीं करने देंगे तो वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपना ओपिनियन, राइट। तो अगर कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर है तो उसे क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। हमने अभी जो सब टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन देखे थे उसमें था कि सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अगर नहीं मिल रहे हैं तो अगर उसकी इंपैक्ट मटेरियल है बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, और अगर उसकी जो पॉसिबल इफेक्ट है वो मटेरियल एंड परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम देंगे। तो यहां पर वही दिया हुआ है, अगर आपका जो कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप है तो क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना रहेगा। ये दोनों पॉइंट आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से कंसिडर करना, राइट। ये स्कोप ऑफ द ऑडिट था। यहाँ पर है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन द ऑडिट, हम कौन से एस्पेक्ट कवरअप करेंगे इन द ऑडिट। सो पहले an examination of the system of accounting and internal control, ascertain whether it is appropriate for the business and helps in properly recording of all transaction. अकाउंटिंग सिस्टम बराबर है कि नहीं और इंटरनल कंट्रोल्स बराबर है कि नहीं, वो सबसे पहले हमें समझना है, उसे कवर अप करना रहेगा। ये एस्पेक्ट से वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूछने के चांसेस कम। Then reviewing the systems and procedures to find out whether they are adequate and comprehensive and intellect and incidentally whether material inadequacies and weaknesses exist to allow frauds and errors going unnoticed.
सिस्टम और प्रोसीजर को हमें रिव्यू करना है कि वो बराबर है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, वो हमें देखना रहेगा. देन चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग बैलेंसेस एटसेट्रा. हम जो भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है राइट, उसमें कुछ भी अरिथमेटिकली कुछ गलत नहीं है, वो हम चेक करेंगे. वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय मेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन. सपोर्टिंग के साथ चेक करेंगे कि वो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जो रिकॉर्ड हुआ है, वो ऑथेंटिक एंड वैलिड है. Ascertaining that a proper distinction has been made between items of capital and revenue nature, and that the amounts of various items of income and expenditure adjusted in the accounts corresponding to the accounting period. जो भी capital और revenue item में जो bifurcation classification होना चाहिए वो बराबर हुआ है, और income expenditure में जिस तरह से record होना चाहिए उस तरह से record हुआ है कि नहीं, और वो फिर corresponding accounts और accounting period में बराबर गया है कि नहीं. Then comparison of the balance sheet and profit and loss account or other statements with the underlying records in order to see that they are in accordance there. जो भी balance sheet और P&L account है, other statements है, right, उसको compare करेंगे कि वो बराबर, मतलब books of accounts के हिसाब से ही बने हैं कि नहीं. Verification of title, existence and value of the assets appearing in the balance sheet. Assets का टाइटल, एग्जिस्टेंस, वैल्यू, यहाँ पर फिर assertions दिए हैं, वो भी हम चैप्टर 3 के अंदर इन डिटेल कवर अप करेंगे. वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटीज जो दी हुई है वो बराबर है कि नहीं. चेकिंग द रिजल्ट्स ओन बाय द पीएनएल टू सी वेदर द रिजल्ट्स ओन आर ट्रू एंड फेयर. जो पीएनएल में रिजल्ट्स है, प्रॉफिट या लॉस, वो बराबर है कि नहीं. वेदर ऑडिट इज ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी कंफर्मिंग दैट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद. कॉर्पोरेट बॉडी जनरली कंपनीज को कवर अप करेंगे या फिर एलएलपीज कह सकते हैं. तो वो जो कॉर्पोरेट बॉडी के लिए जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट वगैरह, वो कंप्लाई हुई है कि नहीं, वो देखना है. रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट पर्सन बॉडी वेदर द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन डू रिवील अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और बाद में हमें रिपोर्ट्स देना है जो भी रिलेवेंट पर्सन या बॉडी है उनको, कि ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं. सो ये सारी एस्पेक्ट्स यहाँ पर कवर अप की गई है ऑडिट में. एक बार आप पढ़ सकते हैं, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर डेफिनेशन ऑफ असर्शन है, वो हम चैप्टर 3 में कवर अप करेंगे. फिर है टाइप्स ऑफ ऑडिट, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अलग से नहीं पूछ सकता, बट करेक्ट इन करेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. दो टाइप के ऑडिट दिए हुए हैं, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड इन द वॉल्यूंटरी कैटेगरी. रिक्वायर्ड अंडर लॉ मतलब कोई भी स्टेच्यूट है, लॉ है, वो आपको कंपल्सरी कह रहा है कि आप ऑडिट करवाए. लाइक कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सारी कंपनीज का ऑडिट होना चाहिए, तो वो ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ होगा, राइट. और इन वॉल्यूंटरी कैटेगरी कोई भी स्टेच्यूट, कोई भी लॉ आपको नहीं कह रहा है कि आप ऑडिट करवाओ, बट आपको करवाना जरूरी है कोई भी रीजन से. फॉर एग्जाम्पल, बैंक में से लोन चाहिए, कोई गवर्नमेंट आपको ग्रांट या सब्सिडी ऑफर करना है, उसके लिए आपको ऑडिट करवाना है, तो वो वॉल्यूंटरी कैटेगरी होगा. जनरली वो सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप में हो सकता है, राइट. सो ये टाइप्स ऑफ ऑडिट है. ये सारी चीजें आपको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो भी पूछने के चांसेस नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ पढ़ सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. उसके नीचे इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, राइट. सो ये एडवांटेजेस खास इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए जरूरी नहीं है, मैं इसमें अभी कवर अप नहीं कर रहा, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. So, अब ऑडिट की कुछ लिमिटेशन है, उस वजह से हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते. ऐसा नहीं कह सकते कि 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने जो चेक किए वो गलती है ही नहीं, वो सब कुछ बराबर है, या फिर ये गलती है, इसके अलावा कोई भी गलती नहीं है. हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते. हम रीजनेबल एश्योरेंस ले सकते हैं ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, राइट. तो चलिए वो समझते हैं. As per SA 200, overall objectives of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. ये पूरा नाम है, ये नाम हमें लिखना है, हमने अभी डिस्कस किया था. The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. यहाँ पर जो audit risk है, audit risk का मतलब ये है
कि ऑडिटर जो भी अपना ओपिनियन दे रहा है वो शायद गलत हो सकता है इन केस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट ऑडिटर को अपने ओपिनियन देने के टाइम वो पता नहीं चल रहा है, वो नहीं मिल रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो वो ऑडिट रिस्क है, वो उसका ओपिनियन गलत हो सकता है, वो ऑडिट रिस्क है। तो ये ऑडिट रिस्क को कभी भी वो जीरो नहीं कर सकता और ऐसा एक्सपेक्ट भी कि नहीं किया जा सकता कि ऑडिट रिस्क जीरो हो जाए, राइट। इसीलिए कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा। दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है। वो क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है वो समझते हैं। तो चलिए समझते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की का नेचर ही है, उसमें जजमेंट्स, इंटरप्रिटेशन, एस्टिमेशन वगैरह है, उसके कारण हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटिटीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस टू द एंटिटी। इन एडिशन मेनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजन और असेसमेंट्स और अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड देयर मे बी अ रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन और जजमेंट्स दैट मे बी मेड, राइट। इसीलिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम नहीं ले सकते हैं। यह है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड लिमिटेशन, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर की भी कुछ ऐसा नेचर है, उसकी वजह से भी इनहेरेंट लिमिटेशंस रहेगी। देर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर तीन ऐसे लिमिटेशंस दी गई है जो प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस है ऑन द ऑडिटर्स, जिसे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स भी कहा जाता है। फर्स्ट वन, मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द फुल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो नहीं देंगे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। दूसरा, फ्रॉड हो सकते हैं, फ्रॉड को डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट रहता है। एंड थर्ड वन, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर्स मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर को जो भी रिक्वायर्ड है या फिर उसने रिक्वेस्ट की है वो सारी ही इंफॉर्मेशन ना दे, राइट। तो सब कुछ हम चेक नहीं कर पाएंगे और लिमिटेशंस रहेगी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाएंगे। फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स डिजाइन्ड टू कंसील इट, कंसील मतलब कुछ छुपाने के लिए। देयरफॉर ऑडिट प्रोसीजर्स यूज्ड टू गेदर ऑडिट एविडेंस मे बी इनएफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग एन इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्स, फॉर एग्जाम्पल, कोल्यूजन टू फॉल्सिफाई डॉक्यूमेंटेशन विच मे कॉज द ऑडिटर टू बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस इज वेल एंड वैलिड व्हेन इट इज नॉट। कोल्यूजन मतलब एक से ज्यादा लोग मिलकर कुछ गलत करेंगे, तो उसमें कोई भी अगर डॉक्यूमेंट वो फॉल्सिफाई कर रहे हैं तो शायद ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर से ये डिटेक्ट ना कर पाए। द ऑडिटर इज नीदर ट्रेंड और नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिक है नहीं है या नहीं वो जानने के लिए या वो चेक करने के लिए ऑडिटर ट्रेंड भी नहीं होता और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो डॉक्यूमेंटेशन की पूरी ऑथेंटिसिटी चेक कर पाए, राइट। यह है सेकंड लिमिटेशन। एंड एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलेज्ड रॉन्ग डूइंग। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेट कुछ तो गड़बड़ है वाली चीज नहीं होती। वी आर नॉट सीआईडी या फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है जनरली, तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं मान के चल सकते कि हाँ यहाँ पर कुछ गलत है और वो कुछ गलत है वही हम ढूंढने आए हैं, तो ऐसा नहीं है, वो एक लिमिटेशन है। Accordingly, the auditor is not given specific legal powers such as power of search which may be necessary for such an investigation. उनके पास सर्च के पावर्स नहीं है। We have to clearly understand that audit is distinct from investigation. Investigation is a critical examination of the accounts with a special purpose. For example, if fraud is suspected and it is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists, it takes character of investigation. Specifically, fraud को ढूंढने के लिए अगर करवा रहे, चेक करवा रहे, एग्जामिनेशन चल रहा है तो उसे इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑन द अदर हैंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर थेरबाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हमारा जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस लेना। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे और देखेंगे कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। Therefore, audit is never started with a preconceived notion about state of affairs, about wrongdoing, about some wrong having been committed. मतलब हम कभी भी audit इस तरह से नहीं करेंगे कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, right? हम just ऐसा करेंगे कि हाँ ये free from material misstatement है कि नहीं, वो हमारा purpose रहेगा,
The auditor seeks to report what he finds in normal course of examination of accounts. However, it is quite possible that sometimes investigation results from the prima facie findings of the auditor. मतलब ऑडिटर अगर कुछ भी प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन लेकर आ रहा है उसमें से इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. इट मे हैपन दैट ऑडिटर इज गिवन सम फाइंडिंग्स ऑफ सीरियस कंसर्न. सच फाइंडिंग्स मे प्रॉम्प्ट फॉर कॉलिंग एन इन्वेस्टिगेशन. राइट, होप यू आर क्लियर विद एन इन्वेस्टिगेशन. ये ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट है वो डिस्टिंग्यूअस डिफरेंसेस के हिसाब से पूछ सकते हैं. और ये जो पूरा ये क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछ सकते हैं. ये जो है ना, there are practical and legal limitations on the auditor's ability to obtain audit evidence. ये question इस तरह से पूछ सकते हैं. तो उसमें तीन चीज़ आएगी. एक तो management may not provide information to the auditor. Second, fraud. And third, audit is not an official investigation. और यहाँ पर audit और investigation का difference भी पूछ सकते हैं. Right? ये दोनों important हैं. यहाँ पर example है वो आप देख सकते हैं. Right? Third one is timeliness of financial reporting and the balance between benefit and cost. टाइमलीनेस, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर ऑडिट करके आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर काम कंप्लीट करना रहता है. राइट, तो वो आपके लिए टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा. और कई बार ऐसा भी होता है कॉस्ट और बेनिफिट के बीच में बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि आप मतलब आपकी जितनी इच्छा हो उतने आर्टिकल्स या उतने स्टाफ मेंबर्स तो आप ऑडिट के लिए नहीं भेज सकते ना. आपको बैलेंस भी करना है कॉस्ट एंड बेनिफिट के बीच में. तो उस वजह से हम पूरा ऑडिट नहीं कर पाएंगे. हम सैंपल बेसिस पर ऑडिट करेंगे तो हमें पूरा पता नहीं चल पाएगा. हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाएंगे. द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट एन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देयर इज नो अल्टरनेटिव. जो इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है उसे कभी भी ओमिट नहीं कर सकता है. अगर वो नेसेसरी है तो करना ही पड़ेगा. हाँ, बट डिफिकल्टी, कॉस्ट या टाइम की वजह से आप वो इग्नोर नहीं कर सकते. पर हाँ, आप प्लान अगर अच्छे से करेंगे तो सारी ऑडिट प्रोसीजर हो जाएगी. प्लानिंग वगैरह कैसे होगा चैप्टर 2 में कवर अप होता है. राइट, सो यहाँ पर है अप्रोप्रिएट प्लानिंग असिस्ट इन मेकिंग सफिशियंट टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट. राइट, होप यू आर क्लियर विद दिस. दिस वन इज अ थर्ड लिमिटेशन. देन अदर मैटर्स दैट अफेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. In case of certain subject matters, limitations on the auditor's ability to detect material misstatement are particularly significant. Such assertions or subject matters include. यहाँ पर चार ऐसी matters है कि जिसमें auditor शायद detect ना कर पाए, material misstatement को detect करना उनके लिए difficult हो जाए, ऐसे subject matters है. Right? वो भी inherent limitations है. इसमें चार है, fraud है, related party relationship and transaction है, going concern assumption और law and regulation का compliance. Right? Fraud, particularly fraud involves senior management or collusion, existence and completeness of related party relationship and transactions, occurrence of non-compliance with laws and regulations, and future events or conditions that may cause an entity to cease continue as a going concern. Going concern है वो fundamental accounting assumption है, but हम future के बारे में कुछ भी estimate नहीं कर सकते कि going concern violate होगा या. राइट, तो ये चार ऐसे मैटर है सब्जेक्ट मैटर जिसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए काफी डिफिकल्ट है. राइट, तो ये जो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है राइट वो क्वेश्चन बन सकता है, एक बार पूछा भी है. राइट, तो उसमें ये चार चीजें आई. राइट, तो ये थी हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आर लीगल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर. उसमें तीन है. एक तो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, सेकंड वन फ्रॉड, एंड थर्ड वन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन. थर्ड मेन इनहेरेंट लिमिटेशन है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट. बट वो हम कोई भी प्रोसीजर उसकी वजह से इग्नोर या ओमिट नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए. एंड द फोर्थ वन इज अदर मैटर्स. अदर मैटर्स के अंदर चार मैटर है, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, एंड फोर्थ गोइंग कंसर्न. राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करना है. इसके बाद इलस्ट्रेशन है वो आप एक बार पढ़ लेना, और ये सारी चीजें आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कवर अप हो गई है ये सारी चीजें. उसके बाद फिर से इलस्ट्रेशन है राइट, वो भी आप एक बार पढ़ लेना. फिर है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विथ अदर डिसिप्लिन. ये बिल्कुल काम का नहीं है, बहुत सिंपल है. जो भी आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं राइट, वो इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स लॉ वगैरह, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. राइट, देन है स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. स्टैंडर्ड जो भी है, स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग वगैरह, वो किस तरह से सेटिंग प्रोसीजर है
वो भी पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सब कुछ पूछेंगे नहीं, हिस्ट्री वगैरह दे रखी है, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यह है पेज नंबर 1.20। ये चार टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे ही स्टैंडर्ड्स एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं। इससे इस चारों को कंबाइन करेंगे तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बनेंगे, क्योंकि ये जो भी ऑडिटर सीए बन के आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो एंगेजमेंट सर्विसेज है, तो ये चारों ही एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है। एसएस मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट में आपको कंपलसरी है। एसआरएस जो है वो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स है, वो रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हेल्पफुल कर है। एसएस जो है वो स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स है, वो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हेल्पफुल है। एसआरएस जो है वो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज है, वो एंगेजमेंट टू अप्लाई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू इंफॉर्मेशन एंड ओवर एंड अदर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स सच एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वो इन डिटेल समझते हैं। यहाँ से जो ये पूरा बोल्ड दिया हुआ है 1.21 और 1.23 तक जो भी है राइट, वो इंपॉर्टेंट है, वो करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। सबसे पहले एस एज अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वेर एस एस आर इज अप्लाई इन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर हम जो पूरा ही पढ़ने वाले हैं वो है एसएस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करने वाले हैं, जिसमें रीजनेबल अश्योरेंस लेंगे, जबकि रिव्यू एंगेजमेंट में लिमिटेड अश्योरेंस लिया जाता है, वो क्वार्टरली या हाफ ईयरली वगैरह में हो सकता है, ऑडिट पूरे साल का या तो साल से भी ज्यादा का पीरियड का जनरली हो सकता है। रिमेंबर दैट Standards on auditing apply in audit of historical financial information which is reasonable assurance engagement, whereas standards on review engagements apply in review of historical financial information which is a limited assurance engagements only. यहाँ पर limited assurance, यहाँ पर reasonable assurance audit में reasonable assurance होगा। तो ये दो चीजों पर खास ध्यान रखना, correct incorrect MCQ पूछ सकते हैं। Standards on auditing, reasonable assurance, audit of finance. ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जबकि स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एसआरएस जो है वो एप्लीकेबल है लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिव्यूज के लिए राइट। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर एंटिटी डिराइव्ड प्राइमरीली फ्रॉम दैट एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम अबाउट इकोनॉमिक इवेंट्स अकरिंग इन पास्ट टाइम पीरियड्स जो एक्चुअल में हो चुके हैं, और अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन और सर्कमस्टांसेस एट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस पीरियड का अगर कुछ भी करेंगे या ऑडिट या रिव्यू, तो ये चीज आएगी। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब पास्ट पीरियड में जो हुआ है वो। हियर वी हैव टू ब्रॉडली अंडरस्टैंड द ऑडिट एंड रिव्यू आर टू डिफरेंट टर्म्स। ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस engagement and its objective is reduction in assurance engagement risk to an acceptably low level in the circumstances of the engagement. Reasonable assurance में हमें audit risk को हो सके उतना कम करना है, reasonably low level पर लेकर आना है। However, review is a limited assurance engagement and its objective is a reduction in assurance engagement risk to a level that is acceptable in the circumstances of the engagement. Limited assurance में हमें हो सके acceptable in the circumstances में हो सके उतना कम ऑडिट रिस्क को करना रहेगा राइट। रिव्यू जो है वो जनरली कम पीरियड के लिए होगा, लेस देन अ ईयर होगा राइट। क्वार्टरली रिव्यूज जनरली होंगे, लिस्टेड कंपनीज में ये कंपलसरी होते हैं राइट। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैव बीन इश्यूड ऑन अ वाइड स्पेक्ट्रम टू इश्यू द फील्ड, ये सब कुछ ठीक है, हम ये सारी चीजें पढ़ ही रहे हैं, सारे जो स्टैंडर्ड्स है किस किस टॉपिक पर है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्लानिंग वगैरह हो गया, रिस्क असेसमेंट है, उसके ऊपर है स्टैंडर्ड, उसके एग्जांपल दिए हुए हैं, पर ये पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारा सिलेबस में कवर अप हो ही जाता है। और यहाँ पर एसआरईज भी है, तो एसआरईज आपके सिलेबस में नहीं है तो वो पूछेंगे नहीं आपको राइट। पर ये जो ऊपर के तीन पैराग्राफ्स है राइट, 1.21 पर फर्स्ट, 1.21 पर फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड पैराग्राफ है, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस पूछ सकते हैं और करेक्ट इनकरेक्ट में भी ये सब कुछ पूछ सकते हैं राइट। देन 1.22 पर जो एसआरएस के एग्जांपल के बाद है, देयर इज अनदर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हिच अप्लाई इन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सच अश्योरेंस एंगेजमेंट्स डू नॉट इंक्लूड ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
These standards are known as standards on assurance engagement. मतलब audit और review of historical financial information में जो applicable, उसके अलावा अगर कोई भी engagement services है तो assurance engagement, standards on assurance engagement applicable होंगे. For example, an assurance engagement relating to examination of prospective financial information. Prospective financial information मतलब कि जो future में होने वाला है उसकी financial information. Prospective financial information means financial information based on assumption about events that may occur in the future and possible actions by an entity. It can be in the form of forecast or projection or combination of both. It is to be noted that in such type of assurance engagement, examination is not of historical financial information. हम यहाँ पर historical financial information को check नहीं करेंगे, future की जो information है उसको check करेंगे. Here it is important to note the difference between historical financial information and prospective financial information. The former, मतलब कि historical financial information relates to information expressed in financial terms of an entity about economic events, conditions or circumstances occurring in past periods. Historical financial information मतलब कि past period में जो हुआ है. Later, मतलब कि prospective financial information relates to financial information based on assumption about occurrence of future events and possible actions by an entity. Therefore, historical financial information is rooted in past events which have already occurred, whereas prospective financial information is related to future events. Right? Hope you are clear with it. बाद में example दिए हुए हैं, वो ऐसे इसके, वो हमारा syllabus में नहीं है, तो कुछ काम का नहीं है. ये दोनों paragraph जो है, तीनों paragraph वो important है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, even reviewer और historical financial information और prospective financial information का आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं. लास्टली देर आर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. दिस स्टैंडर्ड्स अप्लाई इन एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल एन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर मे रिक्वायर द ऑडिटर टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स कंसर्निंग इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा से अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, परचेजेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज एंड सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ एन एंटिटी और अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अ बैलेंस शीट और इवन अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहाँ पर आपको कुछ भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो भी ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में डिसाइड होता है उस हिसाब से कुछ काम करना रहेगा, तो वो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज एप्लीकेबल होगा. एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की जाएगी, चाहे हो सकता है कि वो अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल या फिर परचेस सेल विथ रिलेटेड पार्टीज के रिलेटेड ही आप सिर्फ ऑडिट करेंगे, आप सिर्फ चेक करेंगे. राइट, इवन कंपाइलेशन भी हो सकता है, उसके भी एग्जाम्पल है, पर वो काम का नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है. इट इज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट ऑल द अबव स्टैंडर्ड्स दैट आर एसएस, एसआरईस, एसएईस एंड एसआरएस आर कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. फर्दर इट इज ऑल्सो टू बी रिमेंबर्ड दैट स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल आर टू बी अप्लाइड फॉर ऑल सर्विसेज कवर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. ये एसक्यूसी है, वो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है. ये एक ही एसक्यूसी है, एसक्यूसी 1, इसका नाम चैप्टर 3 में आता है, पर मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वालिटी कंट्रोल बाय अ फर्म एंगेज्ड इन सर्विसेज ऑफ ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अश्योरेंस सर्विसेज और अश्योरेंस एंगेजमेंट्स और रिलेटेड सर्विसेज. मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल किसे करना है, फर्म को. फर्म जो भी है, जो भी ये ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज अगर कोई भी प्रोवाइड कर रही है, तो उनको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन, क्वालिटी कंट्रोल रखना चाहिए. वो एसक्यूसी, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल कहता है, एसक्यूसी 1 है. उसके थोड़े से रेफरेंस आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में आएंगे, तो वो हम पढ़ेंगे. राइट,
तो क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी, क्वालिटी स्टैंडर्ड एक ही है एसक्यूसी 1, और बाकी चार है वो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कौन सा है? SS स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, SRS स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, SAE स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, एंड SRS स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। राइट, ये चारों ही एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कलेक्टिवली एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कहे जाएंगे। राइट, और एसक्यूसी इन सभी को एप्लीकेबल है, जो भी फर्म ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन सभी को ये एप्लीकेबल होंगे। राइट, होप यू आर क्लियर विथ इट। राइट, चलिए इसके बाद में, दिस स्टैंडर्ड्स विल अप्लाई व्हेन एवर इंडिपेंडेंट ऑडिट इज कैरिड आउट, दिस इज इन द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज लीगल फॉर्म अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन थेरऑन। मतलब ये कोई भी एंटिटी, मतलब वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, लीगल फॉर्म उसका कोई भी हो, साइज कोई भी हो, सभी को एप्लीकेबल होंगे। हाँ, अगर उसमें कोई भी एक्सेप्शन है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड्स सभी को एप्लीकेबल होंगे। राइट, जब भी मतलब ऑडिटर है वो कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाला है तब ये एप्लीकेबल होंगे। राइट, तो ऐसा आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर A test function, it will be the duty of members of the ICAI to ensure that standards are followed in the audit of financial information covered by their audit reports. If for any reason a member has not been able to perform an audit in accordance with the standards, his report should draw attention to the material departure therefrom. Auditors will be expected to follow standards in the auditors in the audits commencing on or after the date specified in the statements. मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या जो भी स्टैंडर्ड्स हमने देखे वो सभी ऑडिटर को एप्लीकेबल है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट को एप्लीकेबल है। राइट, वो कोई भी अगर ऑडिट में कर नहीं सकता, कोई भी स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको अपने रिपोर्ट में ये मेंशन करना रहेगा। रिमेंबर ऑल स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फ्रॉम द डेट मेंशन्ड देयरइन एंड इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट टू एडहर टू दिस व्हेनेवर व्हेनेवर एन ऑडिट इज कैरिड आउट। राइट, ठीक है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। फिर कंप्लायंस विद डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट, ICAI बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देती है, स्टेटमेंट्स भी है, वो स्टेटमेंट्स यहाँ पर समझाया हुआ है, पर वो अब कोई स्टेटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, कोई भी इश्यूड नहीं है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ खास पूछने के चांसेस नहीं है। बट हाँ, गाइडेंस नोट्स है। गाइडेंस नोट्स क्या है? गाइडेंस नोट्स मतलब कि गाइडिंग फैक्टर है, उसमें मटेरियल दिया हुआ है कि ऑडिटर को कोई भी प्रैक्टिकल दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उससे कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो गाइडेंस नोट्स में दिया हुआ है। गाइडेंस नोट्स बहुत सारे टॉपिक्स पर बनाए गए हैं, टैक्स ऑडिट कैसे कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कैसे ऑडिट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर होने चाहिए, इंटरनल ऑडिट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर गाइडेंस नोट्स अवेलेबल है। ये गाइडेंस नोट्स जनरली रिकमेंडेटरी इन नेचर होती है, बट कई सारी गाइडेंस नोट्स कंपलसरी इन नेचर भी है, तो अगर ऑडिटर वो कंप्लाई नहीं करता है वो गाइडेंस नोट्स को, तो उनको अपने रिपोर्ट में मेंशन करना रहेगा। लेट्स हैव लुक एट इट। गाइडेंस नोट्स आर प्राइमरीली डिजाइन टू प्रोवाइड गाइडेंस टू मेंबर्स ऑन मैटर्स व्हिच मे अराइज इन कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क एंड ऑन व्हिच दे मे रिलाई ऑन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क एंड ऑन व्हिच दे मे desire assistance in resolving issues which may pose difficulty. Guidance notes are recommendatory in nature. ये important topic, ये जो भी line है ये important है, क्योंकि ये आपको correct, incorrect या फिर MCQ में पूछ सकते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। A member should ordinarily follow recommendation in guidance notes relating to an auditing matter except where he is satisfied that the circumstances of the case it may not be necessary to do so. Similarly, while discharging his attest function, a member should examine whether the recommendation in guidance notes relating to an accounting matter have been followed or not. If the same have not been followed, the member should consider where keeping in view of circumstances of the case, a disclosure in his report is necessary. अगर वो follow नहीं करता है तो उससे अगर disclosure करने की जरूरत है in report तो वो कर सकता है। There are, however, a few guidance notes in case of which counsel has specifically stated that they should be considered mandatory on members while discharging their attest functions. Right? Hope you are clear with it. आपको मजा आ रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर कुछ भी suggestions हो तो भी आप comment कर सकते हैं, और doubts तो कभी भी पूछ ही सकते हैं। Qualities of an auditor, not so important. Exam point of view से कुछ काम का नहीं है। Then elements of a system of quality control. Right? यहाँ से हम ये चैप्टर वन का पार्ट वन हम यहाँ तक रखते हैं। पार्ट टू में यहाँ से हम आगे का चैप्टर वन कंप्लीट करेंगे। राइट,
सो स्टे ट्यून फॉर मोर रिविजन वीडियोज, और आपके जो भी व्यूज हो, सजेशंस हो, कमेंट्स, मतलब डाउट्स हो, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं. लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.